भाई वीडियो तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने मेरा कमेंट नहीं दिखाया वीडियो में। अगली बार थोड़े से बम बचा लेना, बचा लेना। अगली बार तुम कटोरी पे बम रक्षा गलाना। गाइस आपको कुछ समझ में आया? नहीं, मुझे सब चीज समझ में आ गया। गाइस वो यूट्यूबर ही कैसा जो अपने सब्सक्राइबर का कमेंट ना समझ सके। तो ये भाई कहना चाहते हैं, इनका नाम है देवजीत गेमिंग, ये कहना चाहते हैं भाई आपका वीडियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगली बार तुम थोड़े बम को कटोरी के नीचे रख के जलाओ। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले कटोरी का व्यवस्था करना होगा। आ जाएगा गाइस, कहीं से चोरी उरी करके ले आएंगे कटोरी। अगला कमेंट देखते हैं, यहाँ पर है अभिनव शुक्ला, इन्होंने कमेंट किया है भाई प्लीज सुतली पटाखों पर भी वीडियो लाओ प्लीज। तो ये वीडियो सुतली पटाखों पर ही होने वाला है। तो अगला कमेंट देखते हैं, यहाँ पर जो प्रिंस पांडे फॉर स्टडी, इन्होंने कमेंट किया है भाई आप दो रॉकेट को अपोजिट डायरेक्शन में अटैच करके जला दो। वाह भाई आपने क्या लाइन लिखा है, दो रॉकेट को अपोजिट डायरेक्शन में जलाने पर क्या होगा, वो तो आगे वीडियो में पता चलेगा। गाइस तो आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक पर होने वाली है जो कि काफी खतरनाक होगा, लेकिन आपने हमें कमेंट किया है और हम किस काम के लिए हैं, ये तो करना ही है। गाइस अगर आपके भी दिमाग में कुछ खुरापाती आइडियाज आते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं सभी का कमेंट्स पढ़ता हूं और आपका भी रिप्लाई करूंगा। गाइज तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कटोरी ले लिया है, यहाँ पर हमारे पास दो दो कटोरी है, और ये कटोरी गाइज हमने कहाँ से लिया पता है आपको? नहीं गाइज, ये हमने घर से चुरा कर लाया है, बस ये बात हमारे और आपके बीच में रहना चाहिए, किसी को मत कहिएगा। और यहाँ पर हमारे पास है इतने सारे पटाखे, यहाँ पर देखिए गाइज, और सबसे पहले यहाँ पर है बहुत सारे सुतली बम, बहुत सारे बुलेट बम, और ऐसे ऐसे गाइज हमारे पास चौरसे हैं यहाँ पर, और बिजली के लेकर भी है, और यहाँ पर आखिर में रॉकेट भी है। तो सबसे पहले हम रॉकेट से स्टार्ट करते हैं, जो भाई ने हमें कमेंट किया है कि अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट लगाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दो रॉकेट ले लिया है, और अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में से लगा देते हैं। गाइजी हमारा दो अपोजिट रॉकेट तैयार है, और इसमें हमने इसका फ्यूज लंबा कर दिया है ताकि हम इसको जलाएंगे तो हमको भागने का समय भी मिल जाएगा, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और बच्चों के लिए खास वार्निंग है गाइज, बच्चों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस इंजॉय कीजिए और ऐसा कहीं भी करने की कोशिश ना करिए। गाइज तो हम यहाँ पर दोनों में एक साथ आग लगा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बराबर, दोनों रॉकेट बराबर से जले हैं गाइस। यहाँ पर देखिए माटी जला दिया गाइस, यहाँ पर रॉकेट, यहाँ पर हमने ईंट पर दोनों रॉकेट को ऐसे रखा था इस प्रकार से, और ये रॉकेट नीचे गिर गया। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर फिल्म आ गया, हमको नहीं पता। और आपने दिवाली में रॉकेट को ऐसे खड़ा करके नीचे और ऊपर की तरफ आसमान मुड़ाते हैं तो रॉकेट ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने दो अपोजिट रॉकेट को जलाया है तो आपको पता चल गया होगा कि दो अपोजिट रॉकेट को जलाने से क्या होता है। तो वीडियो को अभी सही लाइक कर दीजिए, आइए यहाँ पर अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। गाइस तो अब हम करेंगे दिवाली पटाखा वर्सेस स्टील का कटोरा, बिल्कुल नया, मतलब कि कहीं से भी टूटा फटा नहीं है, और हो सकता है गाइस इन पटाखों से फोड़ने के बाद ये कटोरा टूट जाए या फिर क्या होगा तो आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस बीड़ी बॉम्ब से, तो करना तो सिंपल से इस बीड़ी बॉम्ब में से एक बीड़ी ऐसे निकालना इस तरह से, ये हो गया, और इसको इस तरह से जलाना है, इसको बीड़ी पीना है। बीड़ी धुआं निकल रहा है, इसको रखते हैं यहाँ कटोरा इसके ऊपर से रखते हैं, भागो। एकदम हल्का सा आवाज किया कटोरे के अंदर, बीड़ी बॉम्ब ये रहा गाइस, धुआं रिलीज हो गया इसमें से, देखिए धुआं निकल रहा है। ये था गाइस बीड़ी बॉम्ब जो कि एकदम हल्का सा आवाज किया, शायद आपको आवाज भी नहीं सुनाई दिया होगा। कटोरे तो गाइस यहाँ यहीं रह गया, कटोरा थोड़ा भी नहीं लगा इस। तो चलिए अब अगले पटाखे को यहाँ पर आ जाओ। अब गाइस हम यहाँ पर इस बिजली क्रैकर को जलाएंगे इस कटोरे के नीचे, चलो यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ से निकालते हैं एक बिजली क्रैकर, इस तरह करते हैं गाइस, ये रहा, ठीक है। गाइस ये था बिजली क्रैकर का कमाल, बिजली क्रैकर का पावर, आपने देखा गाइस कटोरी, अरे पूरा हीट हो गया गाइस। यहाँ पर हमने ये बिजली क्रैकर रखा था और ये देखिए किस तरह से फटा है, पूरा खाली हो गया, लेकिन जैसा कि तैसा अभी तक है। और कटोरा गाइस, कटोरा इतना ऊंचाई तक उड़ा था यहाँ पर, देखिए इस तरह से इतना। गाइस हमने नहीं सोचा था कि बिजली क्रैकर भी इतना पावरफुल होगा। अब यहाँ पर अगले पटाखा को जलाते हैं। यहाँ पर अभी हमने सिंगल बिजली क्रैकर को जलाया था और इस बार हम बिजली क्रैकर के पूरे लड़ी को जलाने वाले इस कटोरे के नीचे ऐसे करके, ठीक है समझ गया। गाइस हमने यहाँ पर इस कटोरी के साथ इस बिजली क्रैकर का चटाई को यहाँ पर सेट कर दिया है, मतलब इस टेप से यहाँ पर चिपका दिया है ताकि ये कटोरा कहीं उड़ कर न जाए, मतलब ये पटाखे पर ही रहे कटोरा। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं और आग लगाते हैं इसमें, चलो सागने के लिए तैयार रहना। Tá bom!
यहाँ पर ये रहा कटोरा और यहाँ पर जो हमने इसमें लगाया था बिजली का कलर ही यहाँ पर पूरा उड़ गया गाइस। ये अभी देख रहे कटोरा का हाल क्या हो गया, अंदर से पूरा ग्रीन हो गया गाइस, मतलब बारूद से जलता है तो ऐसा ग्रीन हरा कलर का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कटोरा कहीं से भी नहीं टूटा। यहाँ पर देखिए, अरे हटाना, धुआं धुआं कर रहा है। तो अब यहाँ पर इस बुलेट बम के लेते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा बुलेट बम का पॉकेट है गाइज, और इसमें छोटे छोटे बुलेट बम है। और यही नहीं गाइज, हमारे पास और भी बुलेट है, यहाँ पर बुलेट है, यहाँ पर बुलेट है। अभी तो गाइज हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारे पास और आगे बहुत बड़े बड़े पटाखे हैं गाइज। तो यहाँ पर हम इस बुलेट बम को रख देते हैं और इसके ऊपर से हम इस टिफिन को रखेंगे, इसमें आग पहले लगा देते हैं गाइज। ये बहुत जल्दी जलेगा, तुमको तेजी से भागना होगा यहाँ से। गाइस ये रहा कटोरा, और यहाँ देखिए गाइस, वहां से कटोरा उड़ के वहां पर जाके गिरा है। बुलेट बम का जो नीचे का फॉइल है इसी में धस गया, यहाँ पर देखिए नहीं निकल रहा है। इसको ऐसे पलटते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखिए इस साइड से ये कटोरे को निकाल दिया है। यहाँ से देखिए आपको उभरा हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहाँ से दर्शा दिया है गाइस, फूटी हो गई कहाँ, और यहाँ पर देखिए कहाँ पर फूटा हुआ। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ से कटोरा हल्का सा फूट गया यहाँ पर देखिए। लेकिन हम इतना ही पर नहीं रुकने वाले हैं, हमारे पास और भी इससे भी बड़े बड़े साइज के बुलेट है। तो यहाँ पर ये बुलेट बम ये दिखाते हैं गाइस, जो कि हरी माधवन का है। अरे खुल जाओ। तो ये रहा गाइस, कितना चमचमाते हुए बुलेट है, जब ये फटेगा तो ये कटोरे को कहाँ ले जाएगा। यहाँ पर जाओ, इसको भी लगाते हैं यहाँ पर, इसको यहीं पर रख देते हैं इस तरह से। मतलब कि ये वाला कटोरा ज्यादा ऊंचाई नहीं गया था, वो पहले वाला जितना ऊंचा गया था वो तो बहुत ऊंचा गया था गाइस। यहाँ पर देखिए कटोरे का हाल, इसको नीचे से और धसा दिया गाइस। यहाँ पर देखिए पीछे से उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए गाइस। हाँ ये कर लो पहले। तो चलिए अब अगले पटाखे को जलाते हैं। हमारे पास इससे भी बड़ा गाइस एक और बुलेट बम है यहाँ पर, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा बुलेट बम है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है बिग बुलेट। इसको निकालते हैं गाइस, ये देखिए गाइस कितना बड़े साइज का बुलेट है। जब ये फटेगा तो इस कटोरे का क्या होगा वो तो अभी मुझे नहीं पता, आगे पता चलेगा वीडियो में। और यहाँ पर इसका साइज भी कंपेयर कर सकते हैं कितना बड़े साइज का है। यहाँ पर आ जाओ, तो अभी इसमें आग लगाते हैं यहाँ पर। बापरे ये वाला तो पूरा मौज कर दिया गाइस, यहाँ पर लेके आते हैं। हाँ मतलब लेकर माथे पे गाइस, मैंने नहीं सोचा था कि एक बुलेट बम का पावर इतना ज्यादा होगा, लेकिन उस पावर का क्या काम जो कुछ उखाड़ नहीं पाए गाइस। मेरे कहने का मतलब है कि ये कटोरा देख सकते हैं, इतने पावर के साथ भी ये कटोरा अभी तक नहीं फटा, ये कटोरा बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अब हमारे पास सुतली बम भी है, तो अब सुतली बम के साथ ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस छोटे वाले सुतली से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्क्वाड फॉइल है कॉक ब्रांड का। यहाँ पर देखिए गाइस ये रहा। तो यहाँ पर रख देते हैं हम इस स्क्वाड फॉइल सुतली बम को, और इसके ऊपर से हम रख देते हैं इस कटोरे को इस तरह से। लेकिन एक सेकंड गाइस, इस बार हम इस कटोरे को नॉर्मली नहीं उड़ाने वाले हैं, इस बार हम क्या करेंगे इस कटोरे के ऊपर से इस पत्थर को ऐसे रख देंगे, तब देखेंगे गाइस कि ये कटोरा यहाँ से हिलता है या फिर नहीं हिलता है, तब मजा आएगा गाइस। गाइस तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ है, ज्यादा भागने का समय नहीं मिला है गाइस। ये रहा गाइस जो सुतली बम जो अभी फटा है, हमने इस कटोरी को इस तरह से रख के इसके ऊपर से ईंट ऐसे चापा था, लेकिन जब ये सुतली बम फटा तो ईंट अलग हो गया और ये कटोरी ऐसे अलग हो गया। लेकिन ये छोटा सुतली बम था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो चलिए आप जलाते हैं इससे बड़े साइज वाले सुतली बम को, जो कि यहाँ पर ये हाइड्रो ग्रीन कॉक ब्रांड का, ये भी कॉक ब्रांड का ही है। ये देखिए गाइस ये ग्रीन कलर का सुतली बम है, जब ये जलेगा तो ये कटोरी के कहाँ ले जाएगा, यहाँ पर जाओ। तो यहाँ पर हम इस सुतली बम में आग लगाते हैं सबसे पहले। और ये कटोरा भी देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा फटा हुआ था, यहाँ से नहीं दिख रहा था, और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है गाइस यहाँ से फटा हुआ है। देखिए और ईंट कहाँ गया, जो हमने और कटोरी यहाँ पर था गाइस और ईंट भी रखे थे, ईंट कहाँ गया यहाँ पर गाइस, हमने भी इधर आते हुए देखा है, यहाँ पर गाइस ये ईंट चला गया अंदर। इस बार लग रहा है गाइस कि इसको सही पटाखे से पला पड़ा है, लेकिन अभी हमारे पास इससे भी बड़ा सुतली बम है, यहाँ पर आ जाओ। ये रहा गाइस जो कि बाहुबली क्लासिक चॉकलेट है, ये रहा गाइस जितने बड़े साइज का, और इससे भी बड़ा हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रो बम। ये देखिए गाइस
सबसे बड़ा बम है यहाँ पर देखिए। इससे भी और बड़े बड़े हमारे पास और भी ग्रीन सुतली बम है, लेकिन इन सारे पटाखों का एक ही वीडियो में टेस्टिंग करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा तब।